वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग एक कार्ड स्विच का टेक्निक सीखने वाले हैं, या फिर आप इसको कलर चेंज भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक लेट से कार्ड शो करते हो, इन दिस केस जोकर, एंड फिर उसको आप टेबल पे रखते हो और वो जो है चेंज होके जैक ऑफ डायमंड बन जाता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया ये काम कैसे करता है, तो आप दो कार्ड लेते हो एंड जब आप ऐसे फ्लिप करके टेबल पे कार्ड रखते हो तो आप बेसिकली जो डुप्लीकेट मतलब जो नीचे का कार्ड है उसको आप रख देते हो। ठीक है, तो यही हम लोग सीखेंगे एंड इसको करने के लिए आप कोई भी डबल लेफ्ट का यूज कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से रिफिल करके दो कार्ड डबल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों नहीं है, ये दोनों कार्ड का यूज करते हैं, जैक ऑफ एट ऑफ स्पेड्स एंड टू ऑफ हार्ट्स। ठीक है, तो रिफिल करके आप डबल लोगे एंड फिर उसके बाद आप उस डबल को ऐसे फ्लिप करके कुछ इस तरीके से इस ग्रिप में रखना है। अब ये जो ग्रिप है मैं आपको समझा देता हूँ, तीनों फिंगर यहाँ पे बॉटम में, ठीक है, कार्ड के नीचे, यहाँ पे ये दो कार्ड है, ठीक है, एंड इंडेक्स फिंगर यहाँ पे रहेगा। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताऊं, तो जब आप ऐसे फ्लिप करते हो तो बेसिकली आपका जो थंब है इस कार्ड को ऐसे पुल कर लेता है, ठीक है, और ये जो तीनों फिंगर है इनमें से लेट से दो फिंगर से आपकी ये जो कार्ड है मतलब एट ऑफ स्पेड के जो नीचे का कार्ड है उसको ऐसे पुश करेगा एंड टेबल पे ऐसे ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो एक साथ आप दो चीज करते हो, आप एक तरफ थंब से ये जो ऊपर का कार्ड है इसको पुल करते हो एंड ये दोनों फिंगर से मिडल और रिंग फिंगर से आप इस कार्ड को ऐसे टेबल पे ड्रॉप कर देते हो। अब ये चीज आप तब करोगे जब आप बेसिकली डेक को ऐसे टिल्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे टिल्ट करते हो, आप पुल करते हो और उस कार्ड को ड्रॉप कर दे रहे हो। ऑल राइट, तो वन मोर टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोर ऑफ स्पेड है एंड आप टिल्ट कर रहे हो, आप थंब से इसको पुल कर रहे हो एंड आप इसको ड्रॉप कर देते हो टेबल पे। ऑल राइट, एंड तो जैसा कि मैंने कहा इससे आप स्विच कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो। तो ये जो मूव है इसमें काफ़ी सारा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में होने का चांसेस काफ़ी कम है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये जो फ्लिक वाला मोशन है ना, ये ड्रॉप करने का, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। बहुत बार क्या होता है कि कार्ड जो है वो नीचे नहीं गिरता, तो उसके लिए जो गैप है वो आप ध्यान रखना। गैप आप एकदम हाफ हाफ करके ही बाहर निकालना, ठीक है, ज़्यादा अंदर भी नहीं ज़्यादा बाहर भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट हाफ, एंड फिर आप इसको जब फ्लिप करके ड्रॉप करते हो तो जो कार्ड है वो टेबल पे चला जाता है। दस चीज़ को फास्ट करते हो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा। तो ये रहा सेवन ऑफ स्पेड एंड जस्ट लाइक दैट चेंज होके बन चुका है फाइव ऑफ डायमंड। बात करें एंगल का, तो एंगल कोई भी चलता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो मूवमेंट है वो नीचे होता है। बहुत बार क्या होता है ये जो कार्ड है ये थोड़ा दिख जाता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जल्दी से इसको पुल करना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पुल करके एंड फिर आप ऐसे स्क्वायर अप कर देना फिंगर से, इससे भी जो कार्ड है वो हाइड हो जाएगा। एंड या दैट्स इट, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ये होगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस करके ही परफॉर्म करना। और साथ ही साथ इसको काफ़ी सारे ट्रिक्स में यूज़ कर सकते हो, लेट से आप कोई भी डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।